भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक आईफोन के नया वीडियो लेते हुए, ये वीडियो एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक आईफोन एक्स पर टच जो कि वर्क नहीं कर रहा था, जो कि एक डीलर से आया था हमारे सर के पास, और उन्होंने बनाया और उसको ट्रेस करके बनाया, बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया है, वैसे ही उसको किस तरीके से ट्रेस किया ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा वीडियो दोस्तों आपको इंडिया में या विदेश में कहीं पे भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। पहले मैं इसको पूरा ZXW से इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैं वूजी जिंग से भी कर सकता हूँ, बट आपको यहाँ आना पड़ेगा क्लास में उसके लिए। और अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सिर्फ उतना एक्सप्लेन करूंगा जितना सर ने उसको बनाया है, और मैं उसके ऊपर भी आपको, अगर मैं आपको चाहूँ तो टच कनेक्टर इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप अपनी दुकान पर बैठकर इजीली उसको बना सकते हैं, और फॉल्ट फाइंडिंग आप ही निकाल सकते हैं कि कहाँ से कितना वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ से कौन सी सप्लाई आती है, कौन सी सप्लाई किसको जाती है, GR क्या होते हैं, वोल्टेज कैसे हमें उसको चेक करें, कौन से पिन पे हमें क्या रीडिंग चेक करनी है। तो ये सारी चीजें ये मैं आपको बहुत ही डीपली लेवल पे बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और आईफोन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताता हूँ, उसके बीच में मैं आईफोन की ट्रेनिंग के बारे में भी अपना कोर्स के बारे में डिटेल लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है फीस को लेकर, उनको लगता है बहुत ज्यादा, जबकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसको। सो बेसिकली मैं यहाँ पर आईफोन एक्स टच, ये देखिएगा ये आईफोन एक्स है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक फोन पड़ा है, वैसे ही एक सर ने आज बनाया है, जिसका वीडियो आप इसी वीडियो में आगे देखेगा प्रैक्टिकली। सो इसको पहले मैं थ्योरी लेवल पे समझा दूं। सो ये जो आईफोन एक्स है, ये इसमें दो बोर्ड है, जैसे थोड़ा पास लाइए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपको अपर बोर्ड दिखाई दे रहा है और एक आपको लोअर बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो जो कि इसका टच कनेक्टर है वो लोअर बोर्ड में यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ZXW ओपन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सेक्शन वाइज टू सेक्शन वाइज जाना चाहिए, पर उसके लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको सारी चीज आती है तो आप सिर्फ CPU लेवल पे काम कर रहे हैं और नहीं लगा पा रहे, 8 के रैम नहीं बदल पा रहे, A9 या फिर बात करें A10 या A11 या A12 का आप रैम नहीं निकाल पा रहे, तो वो हमारे यहाँ आइए, CPU लेवल का कोर्स कीजिए, सिर्फ 15 दिन का, सिर्फ CPU का। मेरे से मैंने सुना है, एक दो लोगों ने ये भी कहते हैं कि सिर्फ 15 दिन में क्या सीख पाएंगे, तो सर मैं आपको बता दूं, 15 दिन में पूरा कोर्स नहीं सिखा रहे, अगर CPU है तो सिर्फ CPU ही CPU का सिखाएंगे, तो और उसके बाद अगर नहीं सीखे तो दूसरी बार फिर आप आइए विदाउट फीस, मतलब जितनी बार आप चाहें तो आप आ सकते हैं, आपको फीस नहीं देनी है। यही चीज बेसिक टू हार्डवेयर वालों के लिए भी है कि 15 दिन में सिर्फ बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे, मतलब जो स्कीमेटिक लेवल, ZXW वोल्टेज, छोटी ICU पे काम करना, जो बेसिक लेवल पे, जैसे कल मेरे एक स्टूडेंट के पास आईफोन 6 आया था, तो मैंने उसको सपोर्ट किया, उसने आईफोन 6 का अपना लाइट बनाया, वैसे ही लाइट हो गया, चार्जिंग हो गया, टच नॉट वर्किंग, ऑडियो इज नॉट वर्किंग, वाईफाई ग्रे आउट, बहुत सारी चीजें हैं, नो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये हमारा ZXW है, हम यहाँ पे आईफोन की सीरीज में जाएंगे, और ये आईफोन एक्स है। आईफोन एक्स दो मॉडल में आता है, एक क्वालकॉम में आता है और एक इंटेल में, उसने दो CPU के साथ निकाला है। तो मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले कोर लाइन, पहले कोर 3.2 यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक अपर बॉडी है और ये उसके साथ में जो उसके कनेक्टर्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टच कनेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो टच कनेक्टर जो लगा होता है वो आपको लोअर बॉडी में मिलेगा, जिसके लिए मैं एक ओपन करता हूँ जिसमें सारी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी एक साथ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा इसको कैसे चलाते हैं, सारी चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको अपर बोर्ड, लोअर बोर्ड और जो इसके कनेक्टर्स बोर्ड है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो बैक एंड फ्रंट का, एक्चुअली ये इसके बैक एंड फ्रंट का बोर्ड है, ये इसका, और ये इसके बैक एंड फ्रंट का है, ये अपर, ये लोअर, और ये इसके बैक एंड फ्रंट का बोर्ड है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है, और यही चीज और जो इसका ये पोर्शन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो फोन है जो सैयद सर ने हमारे बनाया है, यहाँ पर ये फोन किसी डीलर से थ्रू आया, मतलब उसके पास टच नॉट वर्किंग वाला फॉल्ट आया होगा, उसने दोनों लेयर को प्री हीटर या कैसे भी SMD से निकालने की कोशिश की होगी, तो उसने पैड ही उखाड़ दिए, तो सर ने पूरे पैड को बनाया, क्योंकि मसला वहां पैड का था। पर मैं यहाँ पर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आईफोन चाहते हैं सीखना या जो भी
एंड्रॉइड भी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ किस तरह से ट्रेसिंग की जाए। तो ये वीडियो आपके लिए एक सोल्यूशन की तरह है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आप किस लेवल पे सीख पाएंगे। और आपको ये वीडियो मैं आपको कंपेयर भी करूंगा, तो चाइनीज ये वीडियो जिंदगी में ऐसा कभी बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली समझाते हैं। उनकी आप अपनी देसी लैंग्वेज में उनसे पूछेंगे तो वो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। वो वही चीज बोलेंगे जो वो बोलना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ये मेरा टच कनेक्टर है। इस टच कनेक्टर में दोस्तों जो फोन पे फॉल्ट आया था सर के पास में, यहाँ पे इसकी 26 नंबर की पिन पे इस पे कोई भी रीडिंग नहीं थी। और क्योंकि इसको हमने देखा तो इसके साथ एक कैपेसिटर और एक कॉइल लगे थे जो कि पैरेलल थे। ये कैपेसिटर पैरेलल था और ये कॉइल सीरीज में था, और ये दोनों बिल्कुल सही थे, फिर भी इस पे कोई रीडिंग नहीं थी। तो इसके साथ हमने देखा कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है। सो इसकी कनेक्टिविटी जो हमें यहाँ पर एक लेयर के साथ मिली, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी। ये देखिए, ये जो लेयर है इसके साथ मिली। अब देखिए इस पर OL लिखा हुआ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि OL का OL क्या होता है। वो इस पर OL लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर OL का मतलब क्या होता है। ये जो लाइन है आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर, टच टू एक्रॉन पीवी 5.2425 EN सिग्नल, मतलब एक EN सिग्नल है जो कि LDOIC से, टच की LDOIC से होकर इस सप्लाई को मिल रहे थे, जो कि ये लाइन ओपन थी। तो जिस वजह से टच इसका काम कर नहीं रहा था, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसी LDO से ही सप्लाई को चाहिए। तो इसलिए बेसिकली हमें पूरी IC तक ये जाना है। सो आप जैसे कि देख रहे थे कि ये पैड बिल्कुल सही था, पर जो डीलर ने क्या किया था इसको बनाने के लिए, जब इसको ओपन किया तो इसकी ये वाली लाइन जो इसकी अपर बोर्ड में लगा हुआ है, ये वाले पैड इसको उखाड़ दिए। सो इसके साथ एक पैड उखड़ा, दो और तीन पैड इसके ओपन हो गए थे और ये पूरे उखड़ गए थे। तो हमारे सर ने इन पैड को स्क्रैच किया और इनकी लेयर बनाई। अब स्क्रैचिंग की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि कितनी लेयर्स होती है इसके अंदर, सो ये भी बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितनी लेयर है। सो जब हमने इसकी स्क्रैचिंग की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये कौन सी लेयर में हमें मिल गया था। आपने जैसे वीडियो देखेंगे तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेयर में ये मिल गया था। सो यहाँ पर अगर मैं स्क्रैचिंग की बात करूं, सो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपर बोर्ड है और यहाँ पर ये हमारा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा ये वाला जो लाइन था दिस वन, और ये जो लाइन थी ये हमारा टच टू एक्रॉन पीबी, जहां पे 5.25 EN सिग्नल, एक लाइन यहाँ पर इसकी थी और एक लाइन सप्लाई जो क्लॉक रीसेट सप्लाई थी, ये जो सप्लाई हमें जो यहाँ पे आ रही थी। सो ये सब सप्लाई कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो सारी चीजें बहुत डिटेलिंग में आप सीखेंगे यहाँ पर। सो आप देखिएगा हमारी ये लाइन ओपन हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड जैसे, एंड्रॉइड में भी नहीं करते अब तो, पहले करते थे कीपैड में, कोई लाइन नहीं मिली तो उसको आप कुरेदना चालू करते थे नीचे से, जो तो वो हमें गोल्डन कलर की जो आपको लाइन मिलती थी, जो आपको लगता था कि चलो इस पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां से जंपर ले लेंगे, क्योंकि अब मामला लेयर्स में आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये सरफेस लेयर है, ये जो आपको दिख रहा है ये सरफेस लेयर है, मतलब वो जो पीसीबी के ऊपर दिखती है आपको वो लेयर है। और जो इनर वन लेयर है, जैसे ही मैंने इसको टिक किया तो आप जैसे कि नोटिस करेंगे, ये देखिए ये लाइन आपको यहां पर दिख रही है, तो ये इनर वन लेयर पे है। ये देखिएगा ये इनर वन लेयर पे है, तो जैसे कि आपने नोटिस किया यहां पे देखिएगा। सो इसीलिए जब इन्होंने, सर ने इस लेयर को सीधे ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली इनको खरोचा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बार आईफोन एक्स पे काम कर चुके हैं, हर फॉल्ट से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उनके पास में जनरली डीलर लोगों का काम आता है। मैंने बोला कि उन लोगों से सीखो जिनको देसी लैंग्वेज में बताना आ सके, उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है और जो लोगों का उस लेवल पे काम करते हैं जहां लोगों को लगता है कि फोन अब तो डेड है, अब तो बनेगा ही नहीं, तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया हमारी बहुत आगे बढ़ गई है और हमें अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत डर और कॉन्फिडेंस की कमी लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए हम दुनिया के देश के बाहर भागते हैं। जो चाइनीज हैं वो उनके पास सिर्फ रिसोर्सेस होते हैं, मतलब जो गुड्स की बात करें, जो उनके पास में अलग अलग टूल्स की बात करें, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उनके यहाँ, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इसलिए हमारे रिसोर्सेस की कमी होती है, इसलिए जो प्रैक्टिकल लेवल होता है उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। बट यहाँ एशिया टेलीकॉम में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये इंडिया का आज है तो कल ये विदेश में भी जाएगा, और विदेश ये एशिया टेलीकॉम, मैं देवेंद्र अग्रवाल वादा करता हूँ कि भविष्य में, आगे फ्यूचर में, मैं विदेश जाके वहां लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे ही दूसरे चाइनीज वाले हमारे पास आते हैं वैसा ही हम जाएंगे और उनको पढ़ा कराएंगे, ये कॉन्फिडेंस है मेरा और ये चीज मैं करूंगा। लोगों की सोच बहुत छोटी है दोस्तों, इसलिए आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें। मैं जितना पॉजिटिव करता हूं आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू, उतना ही मैं अपने स्टूडेंट को भी करता हूं यही चीज, और उतना मैं खुद भी होता हूं। सो देखिएगा,
तो हमारे सर ने जो यहाँ पर लाइन स्केच की थी और वो इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे जो इनकी सिंगल और फर्स्ट प्लेयर में मिल गई थी, सपोज अगर इस लाइन पे भी अगर वो लाइन सही होती, सपोज अगर मान लो वो ओपन करते और ये लाइन भी ओपन होती, जैसे अब सवाल ये होता है कि अगर सर ये पैड सही होता तो हम उसके बाद में क्या करते, कौन सी एसी में जाते। सपोज आप जैसे कि पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर ये वाला जो पैड है अगर ये सही होता तो उसके बाद कहाँ जाते, तो जस्ट उसके बैक में ये जो मेरी नैंड लगी हुई है उसके बाद में ये मेरा टच एलडीओ लगा हुआ है, तो ये टच एलडीओ पे काम करते हैं। और ये टच एलडीओ पर हम सबसे पहले अगर देखते हैं कि यहाँ पे वाटर डैमेज है या क्या मसले हैं, ये टूटी हुई है या कहीं से ब्लैक पड़ी हुई है या शॉर्टिंग है या इसके आसपास के, पहले कंपोनेंट चेक करते, फिर इस आईसी को निकालते, इस आईसी के अंदर पैड देखते, इसके जीआर चेक करते, इसका वोल्टेज हम देखते। बेसिकली अगर ये हमें सब सही मिलता तो हम इस पर नया आईसी लगाते, वो आईसी नहीं लगाते तो हमारा ये काम करता। क्योंकि ये मसला हमने आपको बताया बहुत छोटे लेवल पे, क्योंकि सिर्फ एक लाइन का मसला था। आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पूरा टच कनेक्टर की सप्लाई, डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई क्या होती है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, फेस आईडी और बहुत सी ऐसी आपको चीजें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, जो आपको प्रैक्टिकली रूप से बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। रिसीवर, रिंगर, कितने माइक होते हैं आईफोन है, आप सच बताओ, आपने अगर कोर्स भी कर लिया होगा आईफोन में तो आपको ये तक नहीं पता होगा कि आईफोन में कितने माइक होते हैं, कौन सा माइक किसके लिए यूज होता है, कौन सा माइक कब बंद हो जाए तो कब कौन सा माइक यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। तो ज्वाइन करो एशिया टेलीकॉम और प्रैक्टिकली वीडियो देखो, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और हमारी फीस बहुत कम है, बेसिक टू हार्डवेयर में सिर्फ 45,000 हम ले रहे हैं और सीपीयू लेवल पे सिर्फ 45,000, और दोनों को अगर आप मिला के करते हैं तो 60,000 ओवरऑल, सिर्फ 60,000। उसमें सबसे ज्यादा हम दिन दे रहे हैं, पहला 15 दिन हम आपको बेसिक टू हार्डवेयर सिखाएंगे, फिर उसके बाद आप जाओगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 दिन हम आपको सिखाएंगे सीपीयू लेवल। क्योंकि सिर्फ 15 दिनों में आप आईफोन जैसे एक बहुत हाई क्वालिटी और हाई एडवांस चीजों को नहीं सीख सकते हैं। ये चीज अब मैं इसमें, आप खुद जाइए और सीख के आइए, आपके पैसे हैं और हमारे पास आइए, एक दिन का अनुभव लीजिए, आपको पता चल जाएगा और जो रिजल्ट है वो मैं आपको दूंगा अपने बैच का। सो ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, किस तरीके से सर ने इसको बनाया पूरा प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया क्या था किधर। मैं एक बार आपको शुरू से बिल्कुल दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले टच कनेक्टर, हमको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिली, फिर हमको ऑब्वियस है अगर शॉर्टिंग होता तो हम कैपेसिटर निकालते, अगर ओपन था पर क्योंकि कॉइल सही था, ये पैड चेक किया पर ये पैड ओपन था तो ये पैड को हमने स्क्रैच किया, तो इसकी पहले हमने लेयर चेक कर ली कि कौन से लेयर में था और बात वहीं बन गई। अगर नहीं बनती तो इसका मतलब ये था कि हम इसके पीछे जो भी ये लेयर जहां जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेयर जा रही है ये टच एलडीओ में जा रही है, सो इसका टच एलडीओ बनाते हैं। अगर ये पीएमयू में जाती तो पीएमयू करते हैं, या सीपीयू में जाते तो सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता, सीपीयू चेंज नहीं होता, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को देखिएगा पूरा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 15 फरवरी का बैच है, 12 और 5 बजे के बीच में कॉल कीजिए और अपनी आईफोन की बुकिंग कराइए। ऑलमोस्ट बहुत से ज्यादा हमारी फुल हो चुकी है, ये आपके पास में एक लास्ट मौका है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़िए जिनका ऑलरेडी बहुत सालों से नाम है और 1 साल से यूएमसी का हम रिव्यू दे रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ। और अब बात है आईफोन की, तो इंशाल्लाह वो भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और आने वाले समय में आप देखेगा कि आईफोन हम वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.
फातिमा एशिया टेलीकॉम से और मेरे साथ है देव सर और फिरोज सर। तो जो हमारी 15 फरवरी से न्यू आईफोन की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं देव सर और फिरोज सर से करूंगी। तो ये बताइए जो हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है आईफोन में तो इसमें क्या खास है? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ें। क्या खास है, बहुत एक अच्छा सवाल है। तो ये खास हम दे रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है और जो सिलेबस है हमारा और जो टाइमिंग है वो सबसे खास है जो हमने इस तरीके से इंडिया में जो हमने रखा है वो आज तक किसी ने नहीं रखा है। सो ये हम आपको अपने अगले सवाल में बताएंगे। मैडम सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाना पड़ता है, ये वीडियो बनाने का जो रीजन है वो क्या है सर? ये जो हमारे जो अभी आईफोन का कोर्स शुरू होने वाला है तो इसके बारे में स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका फीस कितना है, आपका कोर्स का सिलेबस में क्या सिलेबस आप देने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका बैक सपोर्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट के आए हैं तो हम उसी के रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सारे सवाल के यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मैडम ने पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको क्वारीज आती है,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन में हमारी जो फीस है सबसे कम है एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, जितना भी इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपको जो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिलेगा उससे बहुत कम है। हमने अपने कोर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एक कोर्स वन जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हम बताते हैं और एक कोर्स जिसमें हम सीपीयू लेवल का हम उसमें बताएंगे, एक और हम बताएंगे जिसमें दोनों कोर्सों को अगर किसी स्टूडेंट को करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर्स वन है बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सारा आईफोन के स्कीमेटिक से लेकर उनकी छोटी आईसी से लेकर सारी चीज जो न्यू है जो नए लोग हैं वो उसमें हम जो बताएंगे वो 45,000 है, जो 15 दिन का हमारा ड्यूरेशन होगा उसके पर भी मैं आपको बात करूंगा। और जो हमारा सीपीयू लेवल पे है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिर उसको बताइए किस तरह का सीपीयू लेवल का अगर कोई डायरेक्ट क्लास करना चाहे। जी सर, ये सीपी लेवल का कोर्स उस स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रहा है और जो आके अटक जाता है कहाँ पर, जहाँ पर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है या रैम को निकाल के लगाना है या स्वाइपिंग करना है, तो आईसी लेवल का काम जो नहीं कर पा रहे उनके लिए हमारा ये कोर्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 7 के ऊपर, जैसे कि आपको पता 8 के ऊपर 7-8 में जितनी भी जो रैम है वो हमें सीपीयू के अंदर लगा दी गई है, उसको स्क्रैचिंग करके जो उसको निकालना होता है। मान लीजिए अगर एक रैम का प्रॉब्लम आ गया, सपोज किसी डीलर ने या जो मैं बोलूँ कि किसी दुकान वाले ने गलत तरीके से कोई ऐसी एक आईसी लगा दी जिसमें रैम का एसडी रैम के साथ कुछ इस सप्लाई जुड़ी हुई है, अगर उस पर गलती से 1.8 की जगह कुछ और वोल्ट चले गए तो रैम शॉर्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे जो डाटा है जो कस्टमर का वो मेन होता है और वो फिर निकल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे वो जो स्वैपिंग करते हैं लोग, स्वैपिंग करने के लिए फिर रैम निकालो या सीपीयू निकालो, तो फिर वो बन नहीं पाता है उस टाइम पे, या तो रैम चेंज करना आ नहीं पाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीपीयू की क्लासेस है सिर्फ इसमें ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना, सिर्फ ये जरूर बताएंगे कि रैम पर सेफली मैटर से कैसे हम निकालें, कैसे हीट को रखें, कितना टेम्परेचर पर रखें, सारी चीजें कौन कौन से टूल्स हम यूज करें, प्लस इसमें हम 3 out of 5 की गारंटी हम आपको देंगे जो फिरोज सर आपको बताएंगे। हमारे यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है अभी, इसमें आप एक 10 सेट अपने ला सकते हैं जिसके अंदर हम 3 में आपको स्वाइपिंग बताएंगे 8 से लेके 12 तक, जिसका सीपीयू और रैम दोनों आपसे, और खास बात यह है कि आपसे ही करवाएंगे उसमें 3 में। बिल्कुल, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के बाद में लाइव बोर्ड हम ही देंगे यहाँ पर, डोनर बोर्ड भी हम देंगे यहाँ पर, और जो कि फीस के अंदर ही है 45,000 जो कि सबसे कम है। जैसे सपोज अगर कोई सिर्फ सीपीयू करना चाहता है तो 15 दिन का कोर्स है जिसमें 10 से 11 घंटे की क्लासेस है। और एक बात और खास मैं बता दूं कि यहां पर अगर आप एक बार कोर्स करते हो और कुछ डाउट रहता है या नहीं बन पाता है तो वो नेक्स्ट टाइम भी क्या कर सकता है, फिरोज वापस आ सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी वापस आप आ सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करने के बाद। सो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर आईफोन के सिलेबस के बारे में हमें बताइए और इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, इस बारे में भी बताएं। देखिए आईफोन के जो सिलेबस पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखिए जैसे मैंने बताया दो कोर्स मैंने बोले, एक हो गया बेसिक टू एडवांस और एक हो गया सीपीयू लेवल। फिर सर बताएं बेसिक टू एडवांस किन लोगों के लिए है, किन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए? सर बेसिक उस स्टूडेंट को करना चाहिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अगर वो डायरेक्ट सीपी लेवल पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। यहाँ पे वो आईसी रिवॉल्व तो कर लेगा या स्वाइपिंग तो कर लेगा, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब वो फॉल्ट ही नहीं फाइंड कर पा रहा है तो वो मोबाइल नहीं बना पाएगा, वो कस्टमर को रिटर्न दे देगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारा जो पहले वाला कोर्स है जो कोर्स वन है वो हर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको चाहे वो ZXW से आपको ढूंढना हो या वूजिंग से आपको ट्रेस करना है, ये नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीजें इसमें ट्रिक और टिप्स बताएंगे। हाँ, छोटी छोटी आईसी है कैसे लगाना है कैसे निकालना है, क्योंकि सिर्फ पत्रा निकालने में ही लोग सेट डेड कर देते हैं, छोटी आईसी निकालने में डेड कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बेसिक कोर्स करना चाहिए। सर हम यहाँ पर सिर्फ डेड मोबाइल में आपको चार्जिंग आईसी ऑडियो आईसी निकलवाना नहीं बताएंगे, हम चालू मोबाइल में आपको ऑन मोबाइल में जिसमें चार्ज हो रहा है उसकी यूट्यूब निकलवा कर हम ZXW से बताएंगे किस तरह से GR चेक करें, हम वूजिंग से बताएंगे किस तरह से उस पर वोल्टेज चेक करें, कौन सी I2C कौन सी I2S लाइन, कौन सा SD RAM, क्या SDA, क्या SCL, क्या सप्लाइयां होती है। सो ये सारी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से चेक करें, इंटरली Layer 1 Layer 2 लेयर्स या Layer 6 या Layer 7 किस तरह से स्क्रैचिंग करें बोर्ड में, स्क्रू होल हम इसमें बताएंगे, हम इसमें बहुत तरह तरह की चीजें आपको, एरर्स हो गए इसमें जो Error 9 हो गया या Error 4-13 हो गया, 4-40 हो गया, 14 Error हो गया, जो आईफोन पे एरर आता है वो तक हम आपको बताएंगे, और उसमें हम JC Pro का यूज करेंगे, हम आपको JC Pro सिखाएंगे, हम आपको IP से, हम आपको WL से, हम इसको प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे किस तरह से NAND को अपग्रेड करना है, अगर आपका
अगर आप 64 GB का है, अगर आपको 256 करना है तो अपग्रेड हम आपको बताएंगे, और बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें है। तो मैं आपको इसके साथ में एक पेज में आपको डालूंगा साथ में, और लिंक आपके नीचे रहेगी, आपको लिंक में मिल जाएगा हमारा पूरा कोर्स का डिटेल। बाकी आप जब कॉल करेंगे तो आपको फातिमा मैडम सारी चीजें डिटेलिंग से बताएंगी, बहुत आराम से बताएंगी एक एक चीज। सो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कोर्स वन है ये ऐसे स्टूडेंट को देख के रखा गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं और भी हमने देखा है कि वो जाके कहीं और से आईफोन की ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद है ना सर बस सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, स्वाइपिंग करते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट फाइंडिंग है या फिर ट्रेसिंग है, सप्लाई की नॉलेज है, हाँ डीपी लेवल पे वो नहीं कर पा रहा है। ये दो दिन आपको से बता देंगे और वो बोल देंगे कि प्रैक्टिस करो, हाँ, हो जाएगा। क्योंकि स्वाइपिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो कंपोनेंट रिलेटेड है, आपको सप्लाई है या फिर ट्रेसिंग है, इससे फॉल्ट फाइंड करके वो सेट बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी है, एक उनके लिए अच्छा ऑफर है, वो जरूर ज्वाइन करें। मैं खास तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अगर दोनों करना चाहता है तो उसके लिए एक पहले हम 15 दिन आपको देंगे कोर्स वन, फिर बाद में हम दूसरे 15 दिन बुलाएंगे और कोर्स टू देंगे। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैडम ने पहला सवाल किया था क्या खास है, फिर सर बताइए इसके पीछे क्या कारण है। सर खास ये है कि सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की हमेशा से ये खासियत रही है कि हम स्टूडेंट से ही करवाते हैं, जो भी आईसी रिबॉलिंग है या फिर जो भी फॉल्ट फाइंड, हम पहले उनको बताते हैं कि कैसे उनको लेते हैं, हाँ पूरा आप लोग को दिखाते भी हैं, पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं, ये सबसे खास बात है। और इसके बारे में सर और भी बताएंगे इसके क्या खास है। मैं आपको बता दूं खास क्या है कि क्या होता है दोस्तों कि आप इंडिया में कितना भी ले लो, 20 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 25 दिन का कोर्स, 30 दिन का, एक बार में वन टाइम आकर आप सीपीयू भी करना चाहते हो और आप बेसिक भी करना चाहते हो तो ये नहीं हो पाता है, पूरा मिक्स हो जाता है और फिर बाद में स्टूडेंट नहीं कर पाता है और फिर इंस्टीट्यूट का लेवल जीरो करता है कि यार दुकानों में बैठ लो तो ज्यादा अच्छा है। सो मैं आपको बता दूं इसलिए हमने 15 दिन का पहला कोर्स रखा है कि पहला बेसिक टू एडवांस सीख के जाओ पूरा, फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू लेवल पे आओगे तब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और आपको हमारे पास आना है, जबकि हमारे यहाँ रहने का और खाने का सबसे मिनिमम चार्जेस है, मतलब आपको दिन का सिर्फ 200 रुपए चार्ज लगेगा, अगर बाकियों की तुलना में 500, 800 या 1000 रुपए लगता है आपको यहाँ पे 200 रुपए चार्ज लगेगा और आपको इंस्टीट्यूट से भी अलावा दूसरी जगह पे कहीं नहीं जाना है। सो आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना बेसिक टू एडवांस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लगेगा कि आप क्या सीखे हैं, फिर आप उसके बाद आप सीपीयू लेवल करेंगे, अगर आप मिक्सचर कर लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। बेसिक करने के बाद सर वो जब जाके काम करेंगे तो उनको फिर लगेगा कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं और उसके बाद कहां अटक रहे हैं, वो वापस से आके उसके बाद से वो क्लियर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर ये बताइए क्या स्टूडेंट अपने साथ रिपेयरिंग के लिए हैंडसेट ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सवाल किया है, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ स्पेस को, लोग डरते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में कि मैं उनसे बोलता है कि हम स्टूडेंट से 10 मोबाइल मंगवाएंगे तो बोलते थे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अगर स्टूडेंट मोबाइल बनाने बैठ जाएगा तो हम उसको सिखा नहीं पाएंगे। सो मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 10 फॉल्टी मोबाइल आप ला सकते हो, अगर आप बेसिक टू एडवांस वाले हो सो बेसिक टू एडवांस वाले ही आप फॉल्ट लाए, आप सीपीयू लेवल के हो तो बिल्कुल वो फॉल्ट लाए जिसमें सीपीयू पर हीट लगा हुआ है, तो जिस तरीके से सीपीयू बचा है तो कुछ भी किया जा सकता है, सीपीयू बचा है तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वैपिंग आपको सिखा देंगे, कुछ भी फॉल्ट आप लाएंगे, पर ये हम आपको पहले हम खुद ट्रेन करेंगे और उसी मोबाइल पे आपको खड़े होकर और उसी प्रकार हम स्टूडेंट से ही करवाएंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ पहले मैंने यहाँ पे इन्हीं के लाइव बोर्ड में किया, हाँ अब मैं अपने बोर्ड में कर रहा हूं। सो लोगों को लगेगा कि अलग अलग मोबाइल जो स्टूडेंट लाएंगे तो उससे 100 प्रकार के फॉल्ट मिलेंगे उनको। फिरोज सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमने 10 मोबाइल का लाने को बोला है क्या ये बाकी में इंस्टीट्यूट कर पाते हैं क्या ऐसे अपने साथ? नहीं सर, अगर स्टूडेंट बोलता है कि हम कुछ सेट लेकर आएंगे आपके पास तो क्या आप वो रिपेयर करके बताएंगे तो दूसरे इंस्टीट्यूट में हो सकता है ऐसा बोल दें कि नहीं मत लाना, हम बस यहाँ पे थ्योरी बताएंगे आपको कैसे करना है लेकिन करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप हमारे एशिया टेलीकॉम के चैनल पे ऑलरेडी देखते हैं कि हर 2 दिन में एक वीडियो आता है जहाँ पर स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करते हैं, हाँ EMMC में तो हम बोलते भी हैं उनसे, उन्हीं से करवाते हैं और हमारा हर महीने में 2 वीडियो ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट का लाइव वीडियो होता है EMMC के अंदर। इसी तरह से आपको आईफोन में भी मिलेगा कि स्टूडेंट अपने हाथ से पूरा, उसमें कुछ कट नहीं किया जाएगा, पूरा स्टूडेंट ही करेगा उसमें भी। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, थोड़ा सा इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि सबसे सारी क्लियरिटी दूर होगी। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सर मैं फिरोज सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो स्वैपिंग है ये तो सभी सिखाते हैं लेकिन जो फॉल्ट फाइंडिंग है इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस बारे में कुछ बताइए।
जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट पे और कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मोबाइल के अंदर जब एंड्रॉयड में भी देखा है और आईफोन में भी देखा गया है कि जब मोबाइल उनके पास डेड मोबाइल आता है या फिर फुल शॉट या हाफ शॉट या लीकेज कोई भी कंडीशन में आता है तो वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको सप्लाई और ट्रेसिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वाइपिंग तो सीख जाते हैं, ऐसी रिवॉल्व कर लेते हैं या सीपीयू एमएमसी निकाल के लगा लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग में। मोबाइल के अंदर एक कैपेसिटर या फिर एक रजिस्टर से ही मोबाइल डेड हो सकता है, तो ये उनको प्रॉपर यहाँ पे हम आईफोन के अंदर बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉपर आपको सप्लाई, चाहे सप्लाई की नॉलेज हो, चाहे ट्रेसिंग हो, चाहे फॉल्ट फाइंड करना हो, बहुत सारी स्पेशल स्पेशल ट्रिक्स आपको मिलेगी और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर है उनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीपीयू लेवल के अगर आप कोर्स करते हैं, थोड़ा पास आओ तार नीचे, यहाँ पर जो सीपीयू लेवल का आप कोर्स करते हैं कि हम जल्दबाजी में कोर्स आपको नहीं कराना चाहते कि तीन दो दिन के अंदर सारे सीपीयू सिखाना है फिर तीन दिन के अंदर स्कीमेटिक सिखाना है, ऐसा या पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक ए एट सीपीयू को, हर बच्चा ए टेन सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करके लगा के चालू ना कर ले एक लाइव मोबाइल में, उसके बाद में वो लेवल बढ़ता है उनका, कि उसके बाद फिर उनको दूसरे बोर्ड और तीसरे बोर्ड देने की इच्छा होती है, बिल्कुल। और यही चीज वो पांच दिन दस दिन और पंद्रह दिन में करेगा और जब वो घर जाके करेगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि स्कीमेटिक हो गया, ये फॉल्ट सप्लाई हो गई, इसको भी पांच दिनों में समझाया नहीं जा सकता। ये भी नहीं है कि हम आपको 24 घंटे बिठा दें क्लास में, कई ऐसा देखा गया है कि 12 से ज्यादा अधिक से ज्यादा घंटे दे देते हैं, तो एक कार्य क्षमता की भी एक सीमा होती है जो एक समय सीमा के ऊपर क्या होता है दिमाग से निकलने लगता है चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सही है, बताइए कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या सपोर्ट दिया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। इस सवाल का सबसे पहले आंसर मैं फिरोज सर से लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या मिलेगा और सपोर्ट में क्या रहेगा, बताइए फिरोज सर। सर यहाँ पे आप जब कोर्स करके जाओगे, यहाँ पर सपोर्ट के लिए हमने स्पेशली इस पे बहुत सारी चर्चा की है और हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट यहाँ पे जब तक कोर्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जरूर अटकेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा जाके प्रॉपर काम करेगा, तो जब भी वो अटकेगा तो हमारे यहाँ पर हमने सोचा है कि चाहे टीम व्यूवर हो या व्हाट्सअप हो या फिर हमसे कॉल करके भी, यानी जैसा भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और स्पेशल ये है कि वो वापस दोबारा आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, जिसकी हम वापस से उससे फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको समय देंगे, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कल आ जाए, हम उसको बताएंगे उसके, हम उसके समय से भी हम खड़े उतरेंगे और अपने समय पे भी, ताकि हमारे ट्रेनर भी उपलब्ध हो और उनको सही चीज मिल जाए। अगर वो चाहता है कि सर मैं पूरा कोर्स फिर से करना चाहता हूं तो बिना कोई फीस के वो बिल्कुल वापस आ सकता है, और सपोर्ट इसके ऊपर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। जो आपको यहां मिलेगा बहुत कम फीस में, 245,000 ओनली फीस, 45,000 आपको 75,000 रुपए में, 75,000 रुपए में, 65,000 रुपए में आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ाया जा रहा होगा, पर आप ये सोचिए कि एक महीने में आप पूरा एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई एज अ एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इनके इंस्टीट्यूट में आया हूं और इन्होंने मुझे फीस बताई 55,000, मैं गया 55,000 में जैसे तैसे जोड़ करके लिया, पर बाद में मैं ये पता नहीं कर पाता हूं कि मैं रहने का कितना चार्ज लगेगा, खाने का कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि वही चीज 10-15,000 तक पहुंच जाती है, तो फिर उसके बाद में टूल्स पे पता चला बोर्ड, फिर इतनी चीज वो 90,000 और 1,00,000 तक मामला चला ही जाता है। सो हमने ये फीस इसलिए कम नहीं की है क्योंकि हम नए हैं और हम ऐसा कुछ करें, हमने फीस इसलिए कम की है क्योंकि हमारे भी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे कह के जाते थे कि सर जब भी आप आईफोन चालू करेंगे तो आप ही के पास आएंगे, बहुत सारे हैं अभी भी कमेंट करते हैं। सो हमने इसलिए फीस कम की है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इनके लिए 45,000 अफोर्ड करना एक इजी हो जाता है, रेदर आपका 60-65 अफोर्ड करने के बराबर। इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर मैं कि ये सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है, पहले तो हम क्यों जरूरत पड़ रही है ये बहुत बड़ी सवाल, हम पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और हमारे हिसाब से हमारा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनको जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या जिसको ज्यादा समझ नहीं आता है, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं कम समय देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रखें कि वापस दोबारा आए और उसकी फीस नेगेटिव ना हो और वो जो फीस पे किए हैं जो कॉन्फिडेंस से आए थे वो उनका जो कॉन्फिडेंस रहे वो बना रहे और वापस दोबारा आए और वो वापस से अच्छे से काम करें।
बहुत यूजर फ्रेंडली हम यहाँ का माहौल रखे हैं, और जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा जो हमारे ट्रेनर हैं सैयद सर, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर है उनका जिस आप मिलोगे। सो आप मेरा नाम चेंज कर देना कि अगर आप उनके साथ अपनी फोटो अपने घर पे ना लगाओ तो। सो मैडम नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा? सर ट्रेनर के बारे में बताइए, उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट को। तो ये जैसे कि मैंने ट्रेनर की बात की और मैडम ने ट्रेनर का ही सवाल ले लिया, दोस्तों मैंने आपको बताया हमारे सैयद सर जो हैं वो 15 साल के एक्सपीरियंस है। अब आप कहेंगे सर आईफोन तो 6 साल से, तो जब से आईफोन 3S आया है ना वो तब से आईफोन का 3S से ही आईफोन पे सीपीयू पे काम कर रहे हैं। 4S की बात करें, 5 की बात करें, 5S 5C या हम करें 6 की बात, वो आईफोन XR और यहां तक उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो कार्य क्षमता है, वो प्रणाली सबसे अलग है, वो हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं अपडेट हूं और अपने लोगों को अपडेट करूं। उनके सिखाने का तरीका काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली तरीका है और काफी आसानी से वो समझ में आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकली, जैसे कई लोग होते हैं जो टेक्निकली चीजों को भूल जाते हैं, जो डायग्राम बता देंगे लिखा देंगे पर आधे स्टूडेंट हाँ करते रह जाते हैं पर दिमाग में पहुंचता नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो 4 बार पूछने पे 5 बार पूछेंगे तो डांट देते हैं कि बार बार मत पूछो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है वो। तो उनके साथ आप जब आप सीखेंगे, आपने देखा उनके साथ बहुत सारे मैं काम शेयर करने वाला हूं। मेरे फेसबुक में आप आइए, देवधन अग्रवाल मेरा सर्च कीजिए, शेख फिरोज आप सर्च कीजिए, दुर्गेश कुमार सोनी हमारे जो हमारे एक टीचर हैं उनके आप सर्च कीजिए, मेरे एशिया टेलीकॉम में सर्च कीजिए, देवधन अग्रवाल में सर्च कीजिए, स्मार्ट टेलीकॉम 1 फिरोज टेक्निकल फिरोज, ये सब यूट्यूब चैनल है हमारे स्मार्ट टेलीकॉम, जो ये यूट्यूब में जाइए लिखिए ये सब सर्च कीजिए और देखिएगा कि आपको बहुत सारे वीडियो और अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सैयद सर के बारे में ये कहना चाहूंगा, मैं उनसे 1 घंटे के लिए कुछ मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो तब से काम कर रहे हैं जब से नोकिया का जो हैंडसेट था जिसमें ब्लैक पेस्टेड आईसी आता था, तो उस लोग उस टाइम पे हाँ समझते थे कि वो होती ही नहीं है, निकलती नहीं है, तो उस टाइम पे वो ब्लैक पेस्टेड आईसी रिमूव करते थे, उसके अंदर माइक्रो जम्परिंग हो या फिर नोकिया के अंदर कुछ ऐसे हैंडसेट थे जिसके अंदर से रैम भी अलग से होता था, तो वो उस टाइम पे रैम पे वो काम किए हैं और वो इतने सॉफ्ट नेचर के है बात करने में, बहुत अच्छे है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, बहुत अच्छा बात करने वाले, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा। और आप आएंगे विजिट करेंगे, विजिट करने का एक मैं कारण बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों ऐसे टेलीकॉम को चुने, क्योंकि हमारी फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, हम सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, हम आपको एनी टाइम विजिट का मौका दे रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5 out of 3 शॉपिंग, हम आपको हर तरह की गारंटी दे रहे हैं कि यहां से जाओगे तो आप सीख के ही जाओगे और निगेटिव होने का हम सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हम वापस खुद बुला लेंगे आपको। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका ये, आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ पता चले और जो हमारा एक मोटिव था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं रहता है, वो लोग सोचते हैं कि क्या इनकी फीस है, कितनी क्यों रखी इन्होंने इतनी फीस और क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या हम उसमें सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बोल नहीं पाया हूं क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। सो वो सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएंगी लिंक में, आप जाइएगा तो 1 click में आपको हमारा सारा वॉल पेपर और सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में। Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.